तो देखची गिल्ला देसी इलाज देख सकते हो और 100% कारगर है। कहाँ से लोग आते हैं? अपने दुबई तक के आदमी आ जाए, ऑपरेशन वाले ठीक करे हम। अभी ये कुप्पी सी लाग रही, इनका क्या दिक्कत है? ये भी इनका जो कमर में दर्द है, मेरे को आराम है दवाई लेने से। डेढ़ साल तक बिल्कुल चार पाई पे थे, फिर यहीं पे आराम हुआ था इनका। इनका क्या दिक्कत है भाई साहब? डिस्क में है ये, साइटी का पेन। आराम लग गया? सारा ठीक हो गया ना, ऑपरेशन बोल रहा था। कितना दर्द था भाई साहब आपके? बहुत ज्यादा था जी। कैसा आराम लगा भाई साहब आपको? बढ़िया लगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखियो, नहीं तो यो मौका तुम चूक जाओ। स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, आज जेन पर कॉल कर। हे, मैं हूँ वीके, हरियाणा का सबसे क्रेजी यूट्यूबर। क्रेजी बॉय पहुंच गया है रोहतक के चमारिया गांव में। भाई साहब गोड्डे में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सर्वाइकल हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, कैंसर ने और टीबी छोड़ गए, हर तरीके का यहाँ पे इलाज मिला है। 30 साल से फेमस वैद है, टू वैद। लोकेशन बता देता हूँ, काफी खड़ा हूँ चमारिया गांव का जो अड्डा है भाई साहब, जो अड्डे पे मेन स्कूल है, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल के साथ में गली है, जो ये पप्पू वैद उर्फ राधे श्याम लिख रखे है, आड़े आना है चमारिया में गांव में। ये देख सकते हो पीछे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। कैसे हो भाई? ठीक है। कितने साल हो गए यहाँ पे? हम ना भाई 25-30 साल हो गए। कहाँ से लोग आते हैं? भाई मार दो रहे, दुबई तक के आदमी आ जाए। अच्छा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट की रहा है, हमारे पास आदमी नहीं आया। के बीमारी का इलाज हो रहा है? हमारा मेन तो काम है कमर के दर्द का, और भाई नड़े हैं, पेट पेट में खिंचाव नहीं हो जाए उसका। आप उसने देसी तरीका दे इलाज करो उसका? देसी तरीका दे दिया। हाँ। और कुछ चेका ताड़ी बतावा? हाँ। कुछ दवाई देवा? जो अपनी दुकान है यार, कमर का जो दर्द है उसके लिए तुम्हारा 3-4 बजे तक का है, बाकी नज लगा है वो 5-6 बजे तक आ जाओ। लंगड़े मरीज कुछ ऐसा होया कि उस टाइम 5-6 बजे ठीक हो गए? डॉक्टर ने बताई ना भाई, इसका ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन वाले ठीक करे हम। अभी ये कुप्पी सी लाग रही, इनका क्या दिक्कत है? ये भी इनका जो कमर में दर्द का ये दर्द था इनका खाना। कितना दर्द था भाई साहब आपके? बहुत ज्यादा था जी। इस तरीके से देख सकते हो इलाज होता है, देसी तरीके से सारा इलाज होता है। कैसा आराम लगा भाई साहब आपको? बढ़िया लगा जी। एक बार चल के दिखाना मुझे वहाँ तक। अभी भाई साहब का चल रहा था इलाज, तो आड़े चल के देखेंगे भाई ने। को दिक्कत नहीं कमर में? वैसे थोड़ा सा दर्द। ये जी डेक्ची का कैसा क्या इलाज होता है? ये वैक्यूम है, ये जो नशे अपने ब्लॉक हो जाए ना, नशों का खिंचाव हुआ ना, ये फिर अपने ये गैप हो जाएंगे, रुकआउट होगा नस की और फिर ये ब्लॉक ही हो जाए। तो देख सकते हो देसी तरीका था इलाज हुआ है इसकी, जो नस थी देखिए कितनी ढीली होगी, देख। हाँ, नस खुल जाए, नस खुल जाए तो इनका आराम लाग जाए। आराम लाग जाए। कहाँ से हो आप? क्या दिक्कत है आपको? मतलब कंधे में भी हाथ लगा रहे हो? कंधे में भी है, कमर में भी, पैरों के नस की पैरों। अब ठीक हो आप? अच्छा हो रहा है। तो देख लो दूर दूर से पेशेंट आते हैं, महेंद्रगढ़, दादरी, झज्ज, रोहतक। कहाँ से हो जी आप? गुड़गांव से। अच्छा, आपकी ये दिक्कत कमर में? दिक्कत मेरे टांग में साइटिका का पेन है। जी पहली बार आया? हाँ जी मैं पहली बार आया हूँ, पहले मैडम आई थी, ठीक है बिल्कुल, इनको डिस्क की दिक्कत थी। आपका ठीक हो गया? आराम। अच्छा, तो आप अपने हस्बैंड को लेके आए? देख सकते हो खुद ठीक करके घर परिवार पड़ोसियों को भी यहाँ पे लेके आते हैं ताकि सबके आराम लग जाए। इनका क्या दिक्कत है भाई साहब? ये इनका जी डिस्क में है, ये सोसाइटी का पेन। कितना है जी? मैं रोहतक से आई हूँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को जैसे छींक आती थी सुबह सुबह उठ के ना, नजले की प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ आई हूँ, 3री बार आई हूँ। तो 2 बार मैंने यहाँ पे दवाई ली है, तो थोड़ा मेरे को आराम है दवाई लेने से। ये देख लो किस तरीके का यहाँ पे पेन है जी। इनके घुटने में पेन है या कमर में है? कमर में। तो देखी गला देसी इलाज देख सकते हो और 100% कारगर है। इनकी जो नस है, दिक्कत है, जो मसल्स है वे खिंची हुई है, और ये ठीक हो जाओगी कुछ टाइम में। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम रायपुर सोनीपत से आए हैं। आंटी आपको दिक्कत है? हाँ जी मेरे को दिक्कत है। क्या दिक्कत होगी? ने कमर में दर्द था बहुत ज्यादा कई सालों से, कमर का दर्द था झेल लिया, पर घुटने में आ गया ये दर्द। अच्छा, दोनों घुटने में चला नहीं जाता ना। कितना टाइम हो गया? मैं तो पहली बार आई हूँ। 15 साल पहले हम आए थे यहाँ पे 2008 में, तो उस टाइम मेरे डिस्क में दिक्कत थी, कमर में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, चले जाता बिल्कुल भी। तो उसके यहाँ था मैं 1.5 साल खाटे में लौटा रहा, उसके बाद यहाँ किसी बताई दी किसी ने, और तो उसके बाद फिर यहाँ से मतलब मैं 11 बार आ था यहाँ पे उस टाइम पे, यहाँ से ठीक हो गया बिल्कुल। अभी नहीं दिक्कत होगी तो इनको ले आऊँ, फिर मैं वहीं चल लेंगे, बाकी तो मैं डॉक्टर से गोली देवा है ना, तो चाहे आराम से फिर वही हाल है। गैप खत्म हो गया? गैप खत्म होने, ऑपरेशन होगा, गोटी बदलवाने पड़ेंगे। कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हो गए। तो ई बार आ गए, आराम लग गया, सारा ठीक हो गया ना, ऑपरेशन बोल रहा था। देख लो भाई ऑपरेशन बोल दिया था, आ गए भाई का, आराम लग गया। क्या दिक्कत है आपको? कमर में दिक्कत है।
पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं, किसी ने बताया था वो ठीक होके गई है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको लग रहा है आराम हो जाए? हमने देखा था वो खुद बुढ़िया खाट में थी और इसने उसे ठीक करके भेजा, तो विश्वास हमने ठीक कर दिया। पानी बच्चे आया? हाँ जी। भाई साहब क्या दिक्कत आपको? मेरे को नजला जुकाम रहता था सर, इस भाई ने मेरे को एड्रेस बताया था तब हम आए थे, पहले भी ले गए थे इस बार भी ले गए थे, आधे से ज्यादा फर्क है। स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, आज जे इन पर कॉल कर लो, अगर इस वीडियो ने पूरी शेयर कर दी और तक जदरासी सर पानी बद गुड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू लेटर। हे दिस इज वीके।